राम माधव जी, देखिए पाकिस्तान को भारत ने साध लिया है, अब वो ज्यादा से ज्यादा भारत के खिलाफ दुष्प्रचार ही कर सकता है, लेकिन उसे उससे भी कुछ हासिल नहीं हो रहा है। अच्छा, वो आपने एक्साइज चेन का जिक्र किया, चीन के साथ सीमा पर इस वक्त जो विवाद है, और मैं उस पर बहुत गंभीरता से बात करना चाहती हूं, हमने जी न्यूज की कवरेज में ये सुनिश्चित किया है कि हमारे यहां कोई अफवाह ना चले, कोई स्पेक्चुलेशन ना हो, और हम विश्वसनीय कवरेज ही अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। इसीलिए मैं आपसे ही जानना चाहती हूं कि LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इस वक्त चल क्या रहा है। नहीं, आप बहुत, मैं आपको जरूर बधाई देना चाहूंगा कि आप किसी प्रकार के अफवाहों को या यू नो कंजेक्चर्स को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दे रही, अच्छी बात है। वास्तव में इस पूरे प्रकरण में, जिसको मुझे उसका हिंदी शब्द मालूम नहीं, अंग्रेजी में साइवार्स बोलते हैं, साइकोलॉजिकल वार्स, ये साइकोलॉजिकल वार भी बहुत चलता है, और हमारा पड़ोसी जो चीन है इसमें माहिर है। कई प्रकार की खबरें ऐसे सोशल मीडिया के बाकी माध्यमों से फैलाने का प्रयास वो करता है, इसलिए हमको सावधान रहना चाहिए और जो अधिकृत जानकारी मिलता है उस पर ही ज्यादा हमको भरोसा रखनी चाहिए। मैं जिन उसको धन्यवाद या बधाई जरूर देता हूँ, पर आज की वर्तमान स्थिति यही है। जो हमारे सरकार, रक्षा मंत्री हो या रक्षा मंत्रालय हो, बाकी लोगों ने हमारे देश हमारे सामने रखा, देश के सामने, कि कुछ स्थान ऐसे हैं जहां हमारी सेना और चीन सेना के बीच एक एंगेजमेंट हुआ है। एंगेजमेंट के एक मिलिट्री डेफिनेशन होता है, वो एंगेजमेंट हुआ है, और अब वो डिसएंगेज करने की दृष्टि से दोनों तरफ से बातचीत चल रही है। और आपको पता ही है, सेना के उच्च अधिकारी स्तर पर कल बातचीत हुई और विदेश मंत्रालय के स्तर पर भी बातचीत चल रही है, और दोनों साइड से ये बात, क्योंकि मैं चीनी मीडिया को भी क्लोजली फॉलो करता हूं, वहां से भी यही बात आ रहा है कि हम शांतिपूर्ण ढंग से इसका समाधान निकालेंगे। मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं, जहां तक हमारे सरकार का प्रश्न है, हम डिप्लोमेटिक रास्ते से, बातचीत से समस्या का समाधान ढूंढने के प्रयास में बहुत गंभीरता से लगे हैं, पर साथ ही साथ एक इंच जमीन पर भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए हम तैयार नहीं है। इसलिए अंग्रेजी में अगर मैं कहूं, प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी पर स्ट्रांग ग्राउंड पोजीशनिंग, ये भारत सरकार की, मोदी सरकार की नीति है। यही नीति को हमने डोकलाम में भी परिचय दिया, इसका परिचय अब लद्दाख में 2-3 जगह जहां स्टैंड ऑफ है वहां भी यही नीति का हम परिचय दे रहे हैं। अच्छी बात है, क्योंकि हिंदुस्तान, 135 करोड़ हिंदुस्तानी यही सुनना चाहते हैं, वो यही देश से बढ़कर, देश के मान से बढ़कर उनके लिए कुछ है नहीं, इसलिए वो इस बात को सुनना भी चाहते हैं। मैं थोड़ा सा भारत चीन के जो संबंध है इनके इतिहास पर आपसे बात करना चाहती हूँ, इस पर चर्चा करना चाहती हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, हमने बहुत विश्वसनीय, बहुत ठोस और बहुत सटीक विश्लेषण हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश बीते दिनों में की है। एक सवाल जो बार बार उठा, जो तमाम डिफेंस एक्सपर्ट्स के साथ भी उठा, भारत चीन के संबंधों में 1962 को रेफरेंस पॉइंट किसने बनाया, जिसके माध्यम से चीन की ताकत का एक हवा बनाया गया, जबकि हम और आप सभी जानते हैं कि 62 के 5 साल बाद ही, यानी 1967 में भारतीय सेना ने तो चीन को हरा दिया था, तो फिर ऐसा क्यों किया गया, किसने ये नैरेटिव, फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किया? मैं नहीं चाहता कि चीन भारत का जो इतिहास रहा है पिछले करीब लगभग 60 साल का, उस पर फिर हम बहुत गहराई से जाकर कौन किसने क्या किया है इस पूरे प्रकरण पर जाए, अब वक्त नहीं है। यह वक्त शांति की दिशा में आगे बढ़ने का है, जो तनाव सीमा पर है उसको और कम करने का। इतना जरूर मैं कहना चाहूंगा कि क्योंकि अक्साई चीन की बात आई, तो किसी कुछ विश्लेषकों ने यह भी कहा कि अक्साई चीन के बात को लद्दाख में एक हिस्सा के रूप में दिखाना, ये भी एक कारण है चीन का प्रोवोक होने के लिए। मैंने सुना था जी। तो मैं ये कह दूं कि 1963 में भारत के पार्लियामेंट में जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, अक्साई चीन हमारा है, हम इसको वापस लेना है। तो ये हम हमेशा कहते आए हैं, और आप सही कह रहे हैं, 62 अलग है, 2020 अलग है, पर ये बात सभी जानते हैं, चीन भी जानता है, बहुत इतिहास बीच में बीता है। पर मैं केवल पिछले 3-4 साल का ही इतिहास पर थोड़ा ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूंगा। इस प्रकार का बड़े पैमाने पर तनाव सीमा पर 2013 में भी हुआ था, और 2013 में यूपीए की सरकार थी। राजनीतिक कारण से नहीं कह रहा हूं, बट जानकारी याद दिलाने के लिए कह रहा हूं हमारे क्रिटिक्स वगैरह को। उस समय भी
5-6 महीने तक लगातार मीडिया में भी खबरें चलती रही, 50 किलोमीटर आगे आगे चीन वाले, 40 किलोमीटर आगे आगे, तब भी हमने यही माना कि भाई अच्छी तरह उसकी सीमा की रक्षा हो, तो सरकार ने कदम उठाया, वो समस्या बाद में थोड़ी शांत हुई। 14 में भी हुई, चुमार वैली में चीन की सेना सीमा का उल्लंघन किया, तो उस समय चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इंडिया आए थे, तो हमारे प्रधानमंत्री उनसे सीधा बात किए थे। 17 में मैं डोकलाम का उदाहरण दिया, डोकलाम में ट्राई जंक्शन की स्थान को बदलने का कोशिश जब चीन की तरफ से हुआ, हम दृढ़ता से खड़े रहे। तो एक नए प्रकार के रेस्पॉन्स इंडिया दे रहा है, हम दौत्य रास्ते से सुलझाना चाहते हैं, पर जमीन पर भी हम दृढ़ता से हमारी सीमा और हमारे देश की सार्वभौमिकता की रक्षा करेंगे, ये हमारी नीति है। हमने बीते दिनों में बहुत स्पेक्युलेशन देखा है और उसी स्पेक्युलेशन को हमने अलग करने की कोशिश अपने ब्रॉडकास्ट में की है। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, आप अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के भी अच्छे जानकार हैं, बहुत करीबी से आप उन्हें मॉनिटर करते हैं, इस समय जो LAC पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, इस वक्त जो हालात हैं वो आपको कितने गंभीर दिखाई देते हैं? क्योंकि हमने डोकलान में भी देखा था 70 दिन से ज्यादा खिंच गया था तनाव जो था, कितना गंभीर आपको फिलहाल ये लग रहा है? दोनों देशों के बीच यानी भारत और चीन के बीच पिछले 5-6 सालों में नेतृत्व के लेवल पर, लीडरशिप के लेवल पर अच्छे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और एक एक प्रकार की समझदारी का संबंध निर्माण हुआ। फिर भी सीमा पर कभी कभी, क्योंकि सीमा के विषय में चीन का सोच और हमारे सोच में अंतर होने के कारण विवाद उठता रहा है। अभी जो विवाद उठा है वो भी उसी प्रकार उठा विवाद है, पर मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि राष्ट्रपति शी जिनपिंग और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच जो आपसी संबंध और आपसी एक सौहार्दता का जो संबंध रहा है, जिसका परिचय हमने वुहान के समिट के समय और हमारे महाबलपुरम के समिट के समय हमने देखा है, उस प्रकार के जो एक गुडविल का जो रिश्ता है, उसके चलते ये जो इस समय का तनाव है जल्दी ही समाप्त हो जाएगा, ऐसे मुझे लगता है। और कल का जो सेना के सीनियर लीडर्स के लेवल पर जो बातचीत हुई, बहुत अच्छे एक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई, उससे लगता है कि हम दोनों तरफ, और मैं चीन मीडिया को भी देखता हूं, वहां भी इन चीजों को लेकर कोई बहुत बड़ा प्रोवोकेटिव व्यवहार हो रहा हो ऐसा भी नहीं है, तो दोनों तरफ से प्रयास अगर अच्छा होगा तो जल्दी ये समस्या सुलझ जाएगी। चीन ये कर क्यों रहा है? आपने शी जिनपिंग का यहाँ पर जिक्र किया, कई डिफेंस एक्सपर्ट्स को हमने बुलाया जिन्होंने उन इलाकों में सर्व किया था, उनमें से कई का ये मानना था कि जब तक टॉप लीडरशिप से परमिशन ना मिली हो, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि PLA पीपल्स लिबरेशन आर्मी देश की आर्मी तो है नहीं, चाइना की आर्मी तो है नहीं, ये तो CCP की आर्मी है, उनका ये सजेशन था कि ये टॉप से आई हुई इंस्ट्रक्शन है। आपको क्या लगता है कि चीन इस वक्त ऐसा क्यों कर रहा है? देखिए, चीन इस समय ऐसा क्यों कर रहा है, ये प्रश्न जब जब चीन के साथ ये सीमा का समस्या खड़ा हुआ था, तब तब हम विश्लेषण करते रहे इसका। हम अपने अपने विश्लेषक अपने अपने अनुभव के आधार पर कई प्रकार के कारण देते रहे। मुझे यह भी याद है कि 1962 में चीन ने आखिर आक्रमण क्यों किया और करने के बाद 20 दिन बाद वापस क्यों गया, इस पर भी बहुत विश्लेषण होता है। तो ये प्रश्न मैं चाहता हूं कि मैं विश्लेषकों को ही छोड़ दूं, वो अपना अपना विश्लेषण करें। हमारा सरकार के नाते जिम्मेदारी है कि देश के हर एक इंच की भूमि की रक्षा हम करें, उस पर हमारी सरकार पूर्ण रूप से तत्पर है, इस पर विश्वास रखे। और दूसरी बात, ये काम हम जैसे पहले करते रहे हैं, देखिए हमारी सेना के भी संयम की बधाई देनी चाहिए, 40 साल में 45 साल में कभी एक बुलेट भी एक दूसरी तरफ फायर नहीं हुआ है। हम बिना बुलेट फायर किए भी समस्या का समाधान ढूंढने के प्रयास में लगे रहे हैं, वही आज भी हमारा प्रयास होगा शांतिपूर्ण ढंग से, पर सीमा पर हमारे जो सार्वभौमिक अधिकार है उसको भी दृढ़ता के साथ रक्षा करते हुए हम आगे काम करेंगे। अब मैं आपके सामने कुछ रिएक्शंस रख रही हूं और मैं उन्हें कोट कर रही हूं। कैन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लीज कंफर्म दैट नो चाइनीज सोल्जर्स हैव एंटर्ड इंडिया। आप मुस्कुरा रहे हैं, मुझे पता है आप समझ रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूं। ऑल पैट्रियट्स मस्ट रीड जनरल पनाग्स आर्टिकल। तो जनरल पनाग का आर्टिकल जो देशभक्त हैं वो पढ़े। डिनायल वोंट हेल्प अस।
डिनायल में रहने से कोई हेल्प नहीं मिलेगी। कांग्रेस ने यह कहा कि सरकार को पारदर्शिता बरतनी चाहिए। पहले जो दो स्टेटमेंट थे राहुल गांधी के स्टेटमेंट थे, आपका जवाब? मैं सच में इसको राजनीतिक बनाना नहीं चाहता था, इसलिए मैं 2013 वाली घटना को भी ऊपर ऊपर से ही स्पर्श किया। मैं 2013, क्योंकि आज इतने सारे प्रश्न राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, पारदर्शिता वगैरह फलाना ढिमकाने का बात कर रहे हैं। देखिए, सेना से सीमा संबंधी विषयों में कितनी पारदर्शिता रखनी संभव होती है उतनी पारदर्शिता सेना हमेशा रखती है, पर कुछ चीजों को हमें सेना और सरकार के भरोसे छोड़ना होता है। पारदर्शिता का अर्थ नहीं होता है कि कोई अपने पूरे कपड़े उतारकर देश के सामने खड़े हो जाता है, वो अर्थ नहीं होता है। तो जितनी पारदर्शिता आवश्यक है उतना पारदर्शिता जरूर सेना और सरकार दिखाएगी, देश को बताएगा। मैं 2013 की बात फिर एक बार उठाता हूं। उस समय यूपीए की सरकार थी और यही इन्हीं स्थानों पर जहां अभी विवाद हो रहा है, इन्हीं स्थानों पर 25-30 किलोमीटर चीन की सीमा, चीन की सेना भारत की सीमा के अंदर घुस गई है, टेंट्स बना के बैठ गई है, डेप्सांग के क्षेत्र में 21 दिन टेंट्स बिछा के बैठ गई है। इस प्रकार की तमाम खबरें पेपर में आई थी। 2010 और 13 के बीच यूपीए के कार्यकाल में 600 से अधिक सीमा के उल्लंघन की घटनाएं हुई है, ये बातें सामने आई थी। उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने एम्बेसडर श्याम सरन के नेतृत्व में सीमा के अध्ययन के लिए एक दल गठित किया था। उस दल के रिपोर्ट को लेकर, हालांकि वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुआ, मैं भी नहीं देखा, पर उस पर खबरें आई थी कि वो रिपोर्ट में कहा गया करीब 600 वर्ग किलोमीटर 600 स्क्वेयर किलोमीटर की भारत की भूमि आज चीन के प्रभाव में चला गया, ऐसा वो रिपोर्ट ने कहा। इसमें मैं सच्चाई की बात मैं भी नहीं जानता हूं रिपोर्ट में क्या है, क्योंकि सार्वजनिक नहीं किया गया। ये सारी खबरें आई तो क्या हम भी यही कहे कि उस समय तुमने पारदर्शिता नहीं बरती, उस समय और ज्यादा जमीन कब्जा कर लिया? हमने उस समय भी आग्रह किया सरकार से कि भाई सीमा की रक्षा करो, भारत के सम्मान को कोई ठेस ना पहुंचे इतनी कोशिश करो, ये हमने आग्रह किया था। तो आज भी विपक्ष इतना आग्रह जरूर करे कि भाई सीमा की रक्षा हो, हमारे सम्मान की रक्षा हो, सार्वभौम भूमिका की रक्षा हो, उस पर हम पूरा आश्वासन दे रहे हैं। अब राहुल गांधी को राजनीति ही करनी है, उनको तो प्रवासी जो मजदूर है उनके ऊपर राजनीति करनी है, कोविड पर राजनीति करनी है, अब चीन की सीमा पर राजनीति करनी है, देश के लिए कुछ करना तो है ही नहीं, इसलिए इस प्रकार की बातें उछाल कर अलग अलग बयान देते हैं। ठीक, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, हमारे यहाँ ये कहा जाता है अच्छे स्वास्थ्य के लिए गुड़ और अच्छी अर्थव्यवस्था के लिए चाइनीज गुड्स का बॉयकॉट और इंडियन गुड्स यानी स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत, आपके थॉट्स? ना, आत्मनिर्भर भारत जरूर हमारे सरकार की नई संकल्पना है। जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है वो आत्मनिर्भर भारत को खड़ा करने में एक बहुत बड़ा कदम, एक पहला कदम है। इसमें आगे बहुत कुछ और करना आवश्यक है। इस रूप में इसको देखना चाहिए। चीनी गुड्स को बॉयकॉट करना इस प्रकार का जो है, ये लोगों का एक सेंटिमेंट है। भले ही सरकार ने इस प्रकार का कोई आह्वान नहीं दिया है, बट लोगों का एक प्रखर सेंटिमेंट आ जाए, इसके कई कारण है। उसमें एक लेटेस्ट कारण सीमा का इस समय की परिस्थिति भी हो सकता है, बट कुल मिलाकर कोविड के समय चीन के नेतृत्व का व्यवहार और व्यापार में हमारा डिपेंडेंसी चीन पर बढ़ना, इन तमाम चीजों को लेकर जनता में एक जागरूकता है। मैं आपको, क्योंकि विषय आपने उठाया, एक जानकारी दे देता हूं। वाशिंगटन डीसी में एक प्यू रिसर्च फाउंडेशन है, कई तमाम इश्यू इस प्रकार के इश्यूज पर रिसर्च करता है। उनके एक रिसर्च इस बीच में आया है, दुनिया के लोकतांत्रिक दुनिया में लगभग सभी देशों में इस समय एंटी चाइनीज सेंटिमेंट बहुत ऊंचाई पर है। लोग बहुत चीन के प्रति एक नकारात्मक भावना रखते हैं। इस प्रकार की भावना इंडिया के तमाम लोगों में भी है, इसलिए वो चीन की वस्तुओं की बायकॉट की बात कर रहे हैं। इसमें मैं चीन के नेतृत्व से ही हमारा अपेक्षा है, उनको सोचना चाहिए क्या, जिसको वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी वगैरह आजकल शब्द प्रयोग होता है, ये जो एग्रेशन देखने को मिल रहा है, यहाँ सीमा पर एग्रेशन, वहां हांगकांग में, सब जगह, या साउथ चाइना सी में, इससे चीन को भलाई हो रहा है क्या, चीन को फायदा हो रहा है क्या, या इससे दुनिया का एक लोगों की मानसिकता चीन के खिलाफ बन रहा है क्या, इस बात को भी चीन की सरकार गंभीरता से सोचना चाहिए। नो सिग्नल नो वरी प्रेजेंटिंग
Zee News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.